नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास सिक्स की ज्योग्राफी का चैप्टर टू। चैप्टर टू का नाम है ग्लोब। क्या नाम है? ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की अगर बात करें हिंदी में, लैटिट्यूड्स को हम कहते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड्स को हम कहते हैं देशांतर। अब ये अक्षांश और देशांतर एक्चुअल में है क्या? अक्षांश और देशांतर का हमें फ़ायदा क्या है, इनसे हमें क्या पता चलता है और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों, आज हम सब लोग समय देखते हैं। समय देखने के लिए हम लोग घड़ी, मोबाइल, इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये टाइम एक्चुअल में आया कहाँ से? ये टाइम एक्चुअल में मैच किससे किया जाता है? किस टाइम की घड़ी से हम लोग ये मैच करते हैं? आप लोगों के मन में ख्याल आया होगा कि अगर मेरी घड़ी बंद हो जाए या मोबाइल बंद हो जाए, उसको मैच करना हो, तो मैं न्यूज़ चैनल खोलूँगा, नीचे टाइम लिखा आता है, उससे मैच कर लूँगा। लेकिन वो टीवी में जो टाइम आता है वो भी तो किसी से मैच होता होगा, वो कहाँ से होता है? आइए इन छोटे छोटे क्वेश्चनों के आंसर ढूँढने के लिए हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, एक बार फिर, लैटिट्यूड को हिंदी में कहते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में कहते हैं देशांतर। आइए, इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में, यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा, जिसमें हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने बाकी ग्रहों के साथ साथ पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी है वह बिल्कुल गोल नहीं है, वह गोल नहीं है, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे से थोड़ी चपटी है, एंड बल्ज इन द मिडल, और बीच में से थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको साइड में एक ग्लोब नज़र आ रहा होगा। ये ग्लोब एक आप कह सकते हो कि लघु रूप है आपकी पृथ्वी का। जैसी आपकी पृथ्वी होती है, जो स्थिति पृथ्वी की होती है, वो इस सेम दर्शाने के लिए इस ग्लोब को इजाद किया गया है, इस ग्लोब को बनाया जाता है। अब बात है, यहाँ पे दो वर्ड आए, एक आया नॉर्थ पोल, एक आया साउथ पोल। ये एक्चुअल में है क्या? तो जो हमारे पृथ्वी का ये वाला हिस्सा होता है, ये होता है आपका नॉर्थ पोल, ध्यान दीजिएगा, और ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा होता है आपका साउथ पोल, याद रखना। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, क्या आपको पता है यह कैसे दिखती है? यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आपकी पृथ्वी कैसी दिखती है, इसका एक अंदाज़ा लेने के लिए आप लोग अपनी क्लास में एक ग्लोब को देखिए। ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वह एक सच्चा सिंबल है, किस चीज़ का? पृथ्वी का। यह पृथ्वी का ही लघु रूप होता है। ग्लोब्स मे बी ऑफ वेरिंग साइज, जो ग्लोब होते हैं वो अलग अलग साइज और अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ तो बहुत बड़े होते हैं, विच कैन नॉट बी कैरीड ईजली, उनको आप आसानी से यहाँ वहाँ नहीं ले जा सकते। कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, और कुछ बैलून्स के टाइप के ग्लोब होते हैं, जिनको आप आराम से कहीं भी ले जाकर फुलाकर उनको आराम से देख सकते हो। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स, और जो ग्लोब होते हैं, आपने देखा होगा, जो ग्लोब होते हैं वो स्थाई नहीं होते, वो फिक्स नहीं होते, ग्लोब घूमता है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज ए टॉप स्पिन, और यह बिल्कुल ऐसे घूमता है जैसे कि मान लो कोई लट्टू घूमता हो, और ए पोटर्स व्हील इज रोटेटेड, और जैसे कोई कुम्हार का जो पहिया होता है जिस पे वह अपने बर्तन बनाता है मिट्टी के, या फिर इस तरह से घूमता हुआ आपको दिखता है।
ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर आपको देखने को मिलती हैं कंट्रीज, देश देखने को मिलते हैं, कॉन्टिनेंट महाद्वीप देखने को मिलते हैं, एंड ओशियंस और महासागर देखने को मिलते हैं इन देयर करेक्ट साइज, अपने निश्चित आकार के। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, यह बहुत मुश्किल है बताना। द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ, यह बहुत मुश्किल होता है कि इस अर्थ पर कौन सा बिंदु कहाँ पर है, उसकी क्या स्थिति है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट, अब यह सवाल आता है कि आप उस जगह को कैसे पहचानते हो या कैसे उसको या उसकी स्थिति को बताते हो। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, हमें बहुत सारे पॉइंट्स की जरूरत होती है, बिंदु की जरूरत होती है इस संदर्भ में। एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेन्स, और हमें उनकी स्थिति को पता करने के लिए, उन जगह को पता करने के लिए काफ़ी सारे बिंदु और लाइंस की जरूरत होती है। यू विल नोटिस, आप ध्यान देंगे, दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो ये आपका ग्लोब है, इस ग्लोब में एक नीडल ये है, एक ये है, ठीक है, और इस पे टिल्टेड थोड़ा झुका हुआ ग्लोब है, लग रहा है ना आपको कि थोड़ा झुका हुआ है। इसी तरीके से आपकी पृथ्वी झुकी हुई है, लेकिन उस पृथ्वी में कोई नीडल या कोई पिन नहीं है, वह बिना इनकी हेल्प के अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। ये इसका एक्सिस हैं, क्या हैं, ये इसके एक्सिस हैं, एक्सिस मतलब अक्ष हैं, क्या है, अक्ष है। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर टू पोल्स, ये जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है जिससे दो नीडल्स आ रही हैं, ये एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। वो मैंने आपको बताया कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ रोटेट्स, और जो ये ग्लोब होता है यह घूमता है इस नीड की हेल्प से वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, जैसे कि आपकी पृथ्वी घूमती है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखिए, देयर इज ए मेजर डिफरेंस, एक बहुत बड़ा अंतर है। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, कि जो आपकी पृथ्वी है उसमें ये नीडल नहीं है, ये सुइयां नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन, और वह अपने अक्ष पर घूमती रहती है, वह अपने एक्सिस पर घूमती रहती है जो कि एक काल्पनिक रेखा है। इमेजिनरी काल्पनिक, इमेजिन कल्पना करना, तो जो उसका एक्सिस है वह एक इमेजिनरी लाइन है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एक और काल्पनिक रेखा है, क्या है, एक और काल्पनिक रेखा है जो हमारे ग्लोब को या हमारी पृथ्वी को बराबर हिस्से में बांटती है, क्या है, एक और काल्पनिक लाइन है जो हमारे ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, और उस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर, क्या कहते हैं, इक्वेटर, और हिंदी में क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। अब जब ये एक चीज़ को दो हिस्सों में या हमारे ग्लोब को दो हिस्सों में बांट देती है, तो जो नॉर्थ की तरफ होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये लिखा हुआ है, और जो हिस्सा साउथ की तरफ होता है उसको हम सदर्न या सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए ये आपका ग्लोब है, इसको बीच में से अगर आप काट दें तो ये हिस्सा तो आपका नॉर्थ हो जाता है, और नॉर्थ वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला हिस्सा आपका साउथ हो जाता है, तो इसको आप क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है दोस्तों। आइए, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, और ये दोनों बराबर होते हैं,
इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों ही बराबर होते हैं। देयरफोर इसीलिए या इस प्रकार द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, इसी प्रकार द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब जो इक्वेटर होता है यह एक बहुत कैसा होता है, एक सर्कुलर लाइन, एक काल्पनिक वृत्ताकार की एक लाइन होती है एंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, और ये बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है, बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है टू लोकेट प्लेसेस, पृथ्वी पर जगह को बताने के लिए कि वह जगह कहाँ पर है, कितने डिग्री पर है, किस जगह पर है, यह बताने के लिए इस इक्वेटर की लाइन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऑल पैरेलल सर्किल्स कम्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, और भी बहुत सारे पैरेलल सर्किल्स होते हैं जो पोल्स तक जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और लैटिट्यूड्स को आप किस में नापते हैं, डिग्रीज में। देखिए दोस्तों ये आपकी लाइन आ रही है इक्वेटर, ठीक है, इस इक्वेटर से ऊपर भी और नीचे भी और भी सर्कुलर लाइन है, एक सर्कुलर लाइन ये है, ये पीछे से इस तरह आती है दोस्तों, लेकिन आगे की दिखेगी हमें, आपको पता है क्यों, ऐसे ही एक लाइन ये रही, फिर एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, और ये आपका बिंदु आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो नॉर्थ की तरफ वाली लाइन होती है ये डिग्री नॉर्थ लिखा जाता है, ये लिखा ना 20 डिग्री नॉर्थ, ये जो वाली लाइन है 20 डिग्री नॉर्थ पर है, ये लाइन 40 डिग्री नॉर्थ पर है, ये लाइन 60 डिग्री नॉर्थ पर है, ये लाइन 80 डिग्री नॉर्थ पर है, और जो आपका नॉर्थ पोल होता है, जो आपका नॉर्थ पोल होता है यह 90 डिग्री नॉर्थ का है। इसी तरीके से अगर आप साउथ की बात करो, नीचे की ओर चलते हैं, तो ये 20 डिग्री साउथ है, इसका मतलब साउथ है, इससे अगली लाइन 40 डिग्री साउथ पे होगी, फिर 60 डिग्री साउथ पे होगी, फिर 80 डिग्री साउथ पे होगी, और जो हमारा साउथ पोल होगा वो साउथ पोल वाला लैटिट्यूड हमारा 90 डिग्री साउथ पे होगा। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई जा रही है, हमेशा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, और जो इक्वेटर हमारा होता है यह 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है, याद रखना कहाँ पर होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्किल राउंड द अर्थ, जो दूरी होती है इक्वेटर से किसी भी पोल्स की, चाहे साउथ की हो चाहे नॉर्थ की हो, वह 1/4 ऑफ ए सर्किल होती है, क्या होती है, 1/4 ऑफ ए सर्किल। मान लो आपका ये सर्किल है, ये यहाँ इक्वेटर है और इसकी दूरी नापनी है, तो कितना हो गया, इसको 1, 2, 3 एक चौथाई हिस्सा हुआ, 360 का एक चौथाई हिस्सा होता है, इसका मतलब इसकी 360 डिग्री का 1/4 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इट विल मेजर दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल, जो 90 डिग्री नॉर्थ में होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये लिखा भी हुआ है, ये लिखा भी हुआ है, और इसी तरीके से जो साउथ में होगा वह साउथ पोल हो जाएगा। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो नॉर्थ की तरफ लैटिट्यूड होते हैं जो हमने अभी दिखाए थे वो सब नॉर्थ पोल नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं, और जो साउथ की तरफ होते हैं इक्वेटर से जितने पैरेलल उनको हम साउथ लैटिट्यूड कहते हैं, याद रखना दोस्तों। इसमें आपको बहुत सारी टर्म्स नहीं मिली होंगी, उन सबको याद रखना। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज़ फॉलोड बाई आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ,
और जो वैल्यू होती है हर एक लैटिट्यूड की वो या तो नॉर्थ से नापी जाती है या साउथ से। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नॉर्थ की साइड वाले लैटिट्यूड हैं उनको नॉर्थ से नापते हैं और जो साउथ की साइड वाले हैं उनको साउथ से। तो नॉर्थ के लिए एन डिनोट करते हैं और साउथ के लिए एस डिनोट करते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें कि बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र जो कि इंडिया में है एंड बेलो होरिजोंटे इन ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका में है आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ बोथ। ये दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे स्थित हैं। किस पे हैं? 20 डिग्री लैटिट्यूड पे। बट द फॉर्मर, लेकिन जो चंद्रपुर महाराष्ट्र वाला है यह है 20 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है और जो हमारा होरिजोंटे है यह 20 डिग्री साउथ पर स्थित है। याद रखना, वी देयरफॉर से दैट, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ। देखिए यही बताया आपको। एंड बेलो होरिजोंटे सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। वी सी इन फिगर 2.2, हमने 2.2 फिगर देखी ये वाली। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि एज वी मूव अवे द इक्वेटर द साइज ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस, कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, ये इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, तो जो इन लाइन की डिस्टेंस है वह कम हो जाती है। क्यों जाती है? जैसे आपने देखा होगा भाई, आपके हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को अगर आप बीच में से नापोगे तो वह ज़्यादा होगी और जैसे जैसे आप उनको ऊपर की ओर या नीचे की ओर ले जाओगे तो उसकी डिस्टेंस कम होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, कुछ इसके अलावा कुछ खास लैटिट्यूड्स हैं, कुछ खास अक्षांश हैं, उनको भी देखिए, बहुत ज़रूरी हैं। बिसाइड्स द इक्वेटर, इक्वेटर के अलावा जो कि 0 डिग्री वैल्यू होते लैटिट्यूड होता है, द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पर है, एंड साउथ पोल, और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पर है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इन तीन के अलावा, किसके अलावा? इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा 4 और लैटिट्यूड हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको जानिए। पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको आप कहते हो कर्क रेखा। इसके सामने लिखा हुआ है 23 डिग्री नॉर्थ, लेकिन जो ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को ध्यान देना, बॉक्स मत समझना, ये बॉक्स 1/2 की जगह बना हुआ है, मिसप्रिंट आप कह सकते हो। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा पाई जाती है। कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये देखिए ये फिगर में, ये इक्वेटर है, क्या है? इक्वेटर है। अब इक्वेटर से हम जब नॉर्थ की तरफ चलते हैं, ये वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो इसमें ये 0 डिग्री पर है, इससे ऊपर हम चलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। याद रखिएगा एन और एस बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री उत्तर में जब आप चलेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड मिलेगा। सेकेंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये क्या होती है? मकर रेखा। क्या होती है दोस्तों? मकर रेखा। यह भी 23.5 डिग्री पर ही है, लेकिन 23.5 डिग्री साउथ में है। कहाँ पर? साउथ में। साउथ का मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में है, याद रखना। तीसरा आर्कटिक सर्किल। अब जो आर्कटिक सर्किल है, क्या है? आर्कटिक सर्किल उत्तर ध्रुववर्त। ये देखिए, जब आप इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूड होगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूड होगा वह आर्कटिक सर्किल होगा। और एंटार्कटिक सर्किल की अगर बात करें तो 66.5 डिग्री साउथ वाला एंटार्कटिक सर्किल होता है, 66.5 डिग्री साउथ वाला एंटार्कटिक सर्किल होता है। तो दोस्तों ये हमने 4 लैटिट्यूड और पढ़े हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
जो कि नॉर्थ में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि 23.5 डिग्री साउथ में, सदर्न हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध में होता है। आर्कटिक सर्किल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में। और एंटार्कटिक सर्किल यह 66.5 डिग्री साउथ में पाया जाता है, 66.5 डिग्री साउथ में, सदर्न हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक छोटी चीज़ और देखिए, ये जो इक्वेटर के पास वाला इलाका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक दिख रहा है ना दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक ये आपको ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है। और इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है टोरिड जोन, क्या लिखा हुआ है टोरिड जोन, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, मतलब हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ताप कटिबंध इलाके किसके, पृथ्वी के। वर्ड याद रखना, आपको बहुत जगह सुनने को मिलेंगे कटिबंधीय, उष्णबंधीय, उष्णकटिबंधीय, ये जोन। तो कटिबंध होता है जोन की हिंदी, क्या होती है जोन को हिंदी में कहते हैं कटिबंध। हीट गर्म या ताप, तो ताप कटिबंध किसके, पृथ्वी के। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एटलीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टोरिड जोन। यहाँ पे इन्होंने कहा कि साल में कम से कम एक दिन या एक बार जितने भी लैटिट्यूड हैं, कौन से लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जितने भी लैटिट्यूड हैं उन पर साल में कम से कम एक बार सूरज की सीधी किरण पड़ती है। क्या होता है, सूरज की सीधी किरण पड़ती है, इसलिए वह जो क्षेत्र होता है उस पर सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, वह सबसे ज़्यादा गर्मी ग्रहण करता है, रिसीव सौंपता है, सबसे ज़्यादा गर्मी ग्रहण करता है। एंड इज कॉल्ड, इसलिए उस जोन को हम टोरिड जोन कहते हैं। आपको पीछे भी दिखाया था टोरिड जोन, इसलिए उनको हम टोरिड जोन कहते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइंस ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड, और कुछ लैटिट्यूड ऐसे हैं जहां पर वह कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं पड़ता। कहां पर, बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बाहर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाहर। द एंगल ऑफ द सन रेज, जो सूरज की रोशनी का एंगल होता है वह वहाँ पर घटता चला जाता है, किसकी तरफ, पोल्स की तरफ। पोल्स मतलब ध्रुव, जो आपको बताए थे नॉर्थ और साउथ पोल। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल, इसलिए वो एरिए जो बाउंड होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्किल तक, और ये कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, याद रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल ये कहाँ पर हैं, ये हैं आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्कटिक सर्किल इन द सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में। हैव मॉडरेट टेम्परेचर, इन पर एक मध्य तापमान होता है, और इन एरिया को, इन जोन को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। टोरिड जोन होता है उष्णकटिबंधीय इलाके, कौन से, उष्णकटिबंध, और टेम्परेट जोन होते हैं शीतोष्णकटिबंध। शीतोष्ण मतलब कि शीत प्लस उष्ण, ठंडे भी और गर्म भी, ये दोनों इलाके होते हैं, इनको टेम्परेट जोन कहते हैं। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल, और वो एरिया कौन से जो आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में आते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल के बीच में आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, वो बहुत ठंडे होते हैं। इट इज़ बिकॉज हेयर, वह इसलिए क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती।
देयरफोर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। वहाँ पर हमेशा सूरज की रोशनी सीधी नहीं पहुँचती, इसलिए वहाँ पर गर्मी भी नहीं पहुँचती, बहुत कम ना के बराबर गर्मी पहुँचती है। इन इलाकों को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन्स। फ्रिजिड जोन्स शीत कटिबंध, बिल्कुल ठंडे इलाके। आइए अब फिगर में चलते हैं, थोड़ा आपको वहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हम पहले देख चुके हैं, ये हमारा है इक्वेटर के पास वाला इलाका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो इलाका होता है। जितने इसमें पैरेलल लैटिट्यूड होते हैं उन पर साल में कम से कम एक बार तो सीधी सूरज किरण पड़ती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गर्मी ग्रहण करता है और उस एरिया को हम कहते हैं टोरिड जोन। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्किल तक जो एरिया है, जो आपका थोड़ा पिंक सा या मतलब बादामी कलर है, ये प्लस ये तो हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो जो आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और एंटार्क्टिक सर्किल तक का एरिया है, इसमें जितने लैटिट्यूड हैं इसी तरीके से ये भी साल में जो है इन पे एक बार भी सीधी रोशनी नहीं पड़ती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन है, जो साउथ में है वो साउथ टेम्परेट जोन है। इस प्रकार आर्कटिक सर्किल से लेकर और नॉर्थ पोल तक, और किधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसी प्रकार एंटार्कटिक सर्किल से लेकर और साउथ पोल तक ये जो एरिया हैं नॉर्थ में और साउथ में दोनों में, इनको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। शीत कटिबंध कहा जाता है टेम्परेट जोन को, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है और टोरिड जोन को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपसे पूछे जाते हैं और आगे आपको इसके बारे में ही पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह के जंगल किस तरह के कटिबंध इलाकों में पाए जाते हैं, तब आपको ये मैप हेल्प करेगा। इसको याद रखना, भूल मत जाना। आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज़ करो, इसको पढ़ो और फिर हम इसको शुरू करते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।